तुम्हें पूछती है मेरे पास। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि सिलाई मशीन में तेल कहां कहां देना चाहिए। चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं सूरज वर्मा, आप देख रहे हैं सूरज सिलाई मशीन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक बजाज कंपनी की सिलाई मशीन। इसे मैं आप लोग को कहाँ कहाँ पर तेल देना चाहिए मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आप लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैक करके रहता है डब्बा करके, इसमें आप लोग को तेल लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग को सुराख मिल जाता है, इस पर भी तेल लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चक्का पर भी तेल लेना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग को भी तेल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सिलाई मशीन में तेल चल जाएगा, कि इससे कोई दिक्कत भी आपका सिलाई मशीन में होगा। जैसे में कितनी सिलाई मशीन होता है, धागा काट देता है, कपड़ा आगे नहीं भागता है, तो ये सब बीमारी से आप लोग बच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस नट को ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से देखने में लगता है, इस जगह भी तेल आप लोग को देना है। यहाँ पर हल्का सा देख सकते हैं आप लोग को नहीं देना दे रहा है, इस कारण मैं लाइट जला दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से सभी जगह तेल देना है, क्योंकि कितने लोग होते हैं ना मशीन पर चढ़ाते हुए तेल सिर्फ ऊपर ऊपर में देते हैं, जहाँ जहाँ सुराग बना हुआ रहता है वहाँ वहाँ सिर्फ तेल देते हैं और कहूँ भी तेल नहीं देते हैं। नीचे नहीं देने के कारण आप समझ सकते हैं कि लोहा लोहा रगड़ाएगा तो लोहा कट ही जाएगा, यही तेल देते हैं। तो हल्का मशीन भी आपका हल्का चलेगा, प्लस में आवाज़ नहीं देगा, आप भी कभी गौर किए होंगे ये बात। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों नट को ओपन करने के बाद इस तरीके से प्लेट को निकाल लेना। प्लेट को निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस जगह पर तेल देना है, क्योंकि कितने लोगों को पता नहीं रहता है तेल कहाँ कहाँ पर होता है, गलत जगह डाल देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से इस रड पर दे देना है तेल। ये देख सकते हैं नीडल रड है, जो उस पर ज़्यादा नहीं देना, कम देना है, क्योंकि ये कंटिन्यू होते रहता है। उसके बाद उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग खोले थे इसी तरीके से आप लोग को सेट कर लेना होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से नीचे भी करके सिलाई मशीन में आप लोग तेल दे सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना कोई परेशानी होगी। किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछताछ कर सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलता है और मिलते रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस किस जगह पर तेल देना है, आप लोगों को भी पता चल गया। चलिए मैं इसे पकड़ चला के आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से प्लस में इसमें आपको कोई भी आवाज़ नहीं देगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलता है और मिलते रहेगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो तो आप कॉमेंट